जहां रविवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर फिक्सिंग करके मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आ गई तो देश में आग लग जाएगी। आज रुद्रपुर की रैली में पीएम मोदी ने इसी बयान को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा की। पीएम मोदी को देखने और सुनने जावेद खान भी पहुंचे थे। जावेद खान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी की ये बात दोहराई कि जब तक मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर नहीं होगा तब तक मुसलमानों का विकास नहीं होगा। हमारे साथ एक खास व्यक्ति हैं जावेद भाई, जो रुद्रपुर से ही ताल्लुक रखते हैं और नरेंद्र मोदी जी के बहुत अथक प्रशंसक हैं। जावेद भाई, नरेंद्र मोदी जी को आप कितना पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो देश के एक बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री हैं। उन जैसा प्रधानमंत्री होना असंभव है। आमतौर पर मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को ऐसी दृष्टि से देखता है कि शायद वो उनका नुकसान करने वाली पार्टी है या ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। सर, ऐसा नहीं है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम्स के लिए बहुत किया है और बहुत योजनाएं बनाई हैं जिससे कि मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और मोदी जी ने सबसे बड़ी बात कही कि मुस्लिम्स का विकास करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। उनका एक बहुत अच्छा वो है, वो कहते हैं कि मुस्लिम के एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूं और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। तो इससे अच्छी सोच और किसकी हो सकती है? बड़े विकासशील मुस्लिम हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देश के विकास के लिए तो बोलना ही चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बगल में दारुल उलूम है और वहां से फतवा जारी हो जाए आपकी? सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देश के विकास के लिए तो बोलना ही पड़ेगा और जो देश का विकास करेगा उसके साथ तो चलना ही पड़ेगा। सर, जो देश का विकास करेगा उसके साथ चलना पड़ेगा। जावेद भाई रुद्रपुर से ही हैं, बड़े विकासशील व्यक्ति हैं और इनका मानना है कि मुस्लिम के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में जब तक कंप्यूटर नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।